सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। पूर्व सीएम की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने कहा कि जल्दी ही जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। उधर राजधानी के सरना स्थल पर हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पूजा अर्चना की गई, तो वहीं लोहरदग्गा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने न्याय मार्च निकाला। रिमांड अवधि पूरी, पूर्व सीएम की पेशी, कोटवार जेल भेजे गए हेमंत सोरेन, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। इन तस्वीरों में आपको पूर्व सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे होंगे। रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में कोटवार जेल भेज दिया गया। जमीन घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पूर्व सीएम की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक जल्दी ही जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। रिमांड की अवधि खत्म हो गई है और आज से उनका जुडिशियल कस्टडी शुरू हुआ। हम लोगों ने उनके जो पिटीशन था उसका ऑब्जेक्शन किया है और हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे बहुत जल्द। अब रांची की ही दूसरी तस्वीर देखिए। सरना स्थल में पूजा अर्चना की गई ताकि हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई हो और वो घर वापस आ सकें। समर्थकों का आरोप है कि झूठे मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। हमारे हेमंत सोरेन दादा हमारे राइज के मुखिया जे की झूठा केस मुकदमा में फसाल जा हो उकर लिए हमें विनती और प्रार्थना अपन सरना माए से करती और हमें यह कहे चाहिला कि देखिए झूठा केस मुकदमा में फसाल जाओ सके अन्याय हुआ था उनके साथ में उनके न्याय होना चाहिए। सतना माय से उनकी प्रार्थना कर रही थी हेमंत सोरेन मुखिया कहने गाँव के पूरा झारखंड के जल्द से जाए लाए रांची झारखंड के अच्छा से काम करे हम इनके देखभाल करे हम इनके हेमंत सोरेन बाबू। लोहरदग्गा की इन तस्वीरों को देखिए। हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के विरोध में जेएमएम की ओर से न्याय मार्च निकाला गया। सरना स्थल पर पूजा अर्चना के बाद ये मार्च निकाला गया। पार्टी नेताओं का आरोप है ईडी ने हेमंत सोरेन को फंसाया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो को जो बीजेपी का सरकार और ईडी और सीबीआई के माध्यम से फंसाने का जो प्रयास किया इसी के लेकर हम लोग आज गांव में सरना स्थल और देवी मंडप में हमारे मुख्यमंत्री को मतलब विनती कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द मतलब हमारे मुख्यमंत्री को बाहर रिहा किया जाए। हेमंत सोरेन गुनहगार हैं या नहीं ये अदालत तय करेगी। फिलहाल तो समर्थकों की निगाहें इस बात पर है कि जमानत कब मिलेगी। रांची से कामरान और आयुष के साथ गौतम, जी मीडिया, लोहरदग्गा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने उपवास पर बैठे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सहित जेएमएम के जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं ने उपवास में रहकर हेमंत सोरेन पर हुई कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। देखिए निष्पक्ष और तटस्थ भाव से अगर जांच होती तो शायद सब लोग इस तरह से दुखी नहीं होते, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से जो पार्टियां भाजपा में जो लोग भाजपा में नहीं हैं ऐसी पार्टियों को चुन चुन कर ऐसे लोकप्रिय नेताओं को जो उसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, भ्रष्टाचार के केसेस तो उन नेताओं पर भी हैं, झारखंड में भी हैं बहुत सारे ऐसे नेताओं पर जो कि भाजपा में हैं, उनके यहाँ ना तो ईडी जाती है ना सीबीआई जाती है ना कोई जाँच करती है। आखिर ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी चुनाव आ रहा है, आपने देखा होगा लोकसभा है विधानसभा है, इसमें टारगेट